हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एनपीसी ज्ञान भंडार सब्सक्राइब माय चैनल एनपीसी ज्ञान भंडार एंड अल्सो टेप दी बेल बटन फॉर अपडेट्स माय सेल्फ निर्मल प्रजापति ऑनलाइन क्लासेस बाय एनपीसी ज्ञान भंडार क्लास फाइव टू टेन सब्जेक्ट मैथ साइंस एंड कंप्यूटर ऑफ एनी बोर्ड आई सी जैक और एनी स्टेट बोर्ड ऑफ इंग्लिश मीडियम Class 11th and 12th subject physics, math, and computer science of any board, ssc CBSC, jack or any state board of English medium. For more information, contact on my WhatsApp number 9431703940. And note personal online video classes also given here that are chargeable. COVID 19. Stay at home, study at home. ये क्लास एट कंप्यूटर साइंस चैप्टर टू है ओके फॉर सी बी एस बोर्ड ओके तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क कॉन्सेप्ट और ये इस चैप्टर का पार्ट वन है मेरा पार्ट टू भी आएगा ये पार्ट वन है मैं इसमें हाफ चैप्टर बताऊंगा फिर पार्ट टू में हाफ़ चैप्टर ओके okay? ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क कॉन्सेप्ट और आपसे स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरी देखें तभी समझ में आएगा ओके तो चलिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इमेजिन इन एन ऑफिस देर आर मैनी कंप्यूटर्स विच स्टोर डेटा एंड द एम्प्लॉयिज इन दैट ऑफिस वांट टू शेयर देयर बिल्स लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट विथ ईच अदर इमेजिन सपोज कीजिए ऑफिस में कोई एक ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो डेटा स्टोर्स की करता है और उसमें एम्प्लॉयी उस ऑफिस में क्या करना चाहता है कि बिल को अपना बिल को लेटर्स को या डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है ओके इज़ इट पॉसिबल फॉर देम टू ट्रांसफ़र डेटा यूजिंग पेन ड्राइव और सी क्या उन एम्प्लॉज़ के लिए पॉसिबल होगा कि डेटा सारे डेटा पेन ड्राइव और सी के थ्रू ट्रांसफ़र करना एक दूसरे को व्हाट इफ़ कम्प्यूटर सिस्टम आर प्लेसड इन वेरियस रूम एंड ऑन डिफरेंट फ्लोरस क्या कंप्यूटर सारे रूम्स में होंगे सारे फ्लोर्स में होंगे क्या होगा अगर कंप्यूटर्स अलग अलग रूम में हैं अलग अलग फ्लोर्स में हैं तो पेन ड्राइव खोल करके इसमें इस रूम में, इस में जाना पड़ेगा फिर उस रूम में फिर इस फ्लोर में फिर दूसरे फ्लोर में इस तरह से ओके okay. तो वाट इफ़ द ऑफिस हैज़ ब्रांच इन डिफरेंट सिटीज़ फिर अगर क्या होगा अगर वो अगर उस कंपनीज का कोई एक दूसरा ब्रांच होगा कोई दूसरे सिटी में तो क्या होगा बताइए तो क्या कर पाएगा डेटा ट्रांसफ़र इन दिस सिनेरियो इफ द कंप्यूटर्स स्टैंड नॉट कनेक्टेड देन मैन्युअली डेटा विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू पेनड्राइव और सी डी डिविडीज विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड ए कॉस्टली अफेयर ओके इस स्ने में कंप्यूटर अगर स्टैंड अलोन मतलब कनेक्टेड नहीं है अलग अलग कंप्यूटर है अलग अलग जगह है तो पेन ड्राइव सीडी डीवीडी के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करना मुश्किल है बहुत मुश्किल और टाइम टेकन भी होगा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा समय लगेगा डेटा इस जगह से उस जगह ले जाने में फिर टाइम तो जाएगा ही जाएगा खर्चा भी ज़्यादा होगा कोई तो ले जाने वाला चाहिए इफ़ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू इच अदर द डेटा कैन बी शेयर्ड इजीली ईजीली ऑल अगर कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे मतलब जुड़े रहेंगे तो डेटा ट्रांसफ़र करना आसानी होगा ओके होने से पेन ड्राइव नहीं ले जाना पड़ेगा बार बार पेन ड्राइव सी डी ओके द इंटर कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इज़ नॉन एज नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर तो इसी इंटर कनेक्शन को मतलब कंप्यूटर्स का जोड़ना मतलब कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड है बहुत सारे कंप्यूटर्स ओके वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू इसी चीज़ को नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स बोला गया है ओके okay? मतलब नेटवर्क मतलब याद रखिए नेटवर्क मतलब कंप्यूटर का जुड़ना किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ ओके यू हैव लर्न इन क्लास सेवन अबाउट द अदर नेटवर्क्स विच वी वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ लाइक केबल टीवी नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क रेलवेज रोडवेज नेटवर्क नेटवर्क ऑफ पीपल नेटवर्क ऑफ पीपल मतलब सोशल नेटवर्क ओके पीपुल का नेटवर्क मतलब सोशल नेटवर्क मतलब आदमी जहाँ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है मतलब सोशल नेटवर्क ओके एंड मैनी मोर तो हम लोग डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि हम लोग टीवी नेटवर्क हो गया मोबाइल नेटवर्क हो गया रेलवे नेटवर्क हो गया सारा नेटवर्क क्या करता है जोड़ता है एक दूसरे को रेलवे नेटवर्क रेलवे को जोड़ता है टीवी नेटवर्क टीवी को जोड़ता है जिसके थ्रू हम लोग टीवी देखते हैं ओके okay? अगर कि टीवी नेटवर्क नहीं रहता तो क्या होता पहले के ज़माने में क्या होता था एक कैसेट लाता था कोई और उसको शेयर कर, कर कर के देखता था एक एक फैमिली कभी ये ले गया कभी वो ले गया ओके इस तरह से देखा जाता था लेकिन जब से टीवी केबल नेटवर्क आ गया है तब से ए, एक ही बार मूवी टेलीकास्ट होता है एक ही बार सब देखते हैं एक साथ बैठ के अपने अपने घरों में ओके तो ये हो गया नेटवर्क टी केबल टी नेटवर्क ओके तो इस तरह से सारे नेटवर्क काम करते हैं ओके तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क्स को समझते हैं ओके पहले देखिए एक टिपिकल डायग्राम बनाया हुआ एक टिपिकल टिपिकल कंप्यूटर नेटवर्क ओके एक डायग्राम बनाया हुआ जिसमें कंप्यूटर को नेटवर्क कंप्यूटर का नेटवर्क को समझाया हुआ है डायग्राम के थ्रू तो, देखिए एक सी है जिसके थ्रू एक रूटर है उसके थ्रू मॉनिटर जुड़ा हुआ है चार मॉनिटर उसके साथ चारों मॉनिटर के साथ एक एक प्रिंटर है स्कैनर है इस तरह से बहुत सारे अलग अलग हैवी प्रिंटर है हाई स्टोरेज कैपेसिटी हाई स्टोरेज है हाई कैपेसिटी स्टोरेज है इस तरह से जुड़ा हुआ है ठीक तो कंप्यूटर तो नेटवर्क तो क्या होता है एक कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स एंड वेरियस डिवाइस कनेक्टेड थ्रू टूगेदर आ वाया केबल और वायरलेस मीडियम फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेज कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है सेट ऑफ कंप्यूटर्स होता है और ये मतलब कंप्यूटर्स का सेट मतलब एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स है उसमें कनेक्टेड और अलग अलग डिवाइस भी कनेक्टेड है प्रिंटर कनेक्टेड है स्कैनर कनेक्टेड है स्पीकर कनेक्टेड है होम थिएटर कनेक्टेड है इस तरह से सारा कनेक्टेड है वायरलेस के थ्रू या वायर के थ्रू ठीक किस परपज़ के लिए शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेज डेटा को शेयर करने के लिए डेटा मतलब हम लोग सॉन्ग भी सुनते हैं तो उसमें भी डेटा ट्रांसफ़र होता है भले वो हमारे लिए सॉन्ग हो लेकिन कंप्यूटर के लिए वो एक डेटा है ओके okay? जो ट्रांसफ़र करता है दिस शेयर्ड रिसोर्सेज कैन बी डेटा फाइल्स एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिवाइस लाइक प्रिंटर मॉडर्म एट्सट्रा इस तरह और ये शेयर्ड रिसोर्सेज क्या क्या ये क्या क्या शेयर कर सकते हैं डेटा फाइल्स अपलीकेशन सॉफ्टवेयर डिवाइस प्रिंटर मॉडेम ये सबको शेयर कर सकते हैं यहाँ तो तक प्रिंटर को भी शेयर कर सकता है एक ही प्रिंटर अगर कनेक्टेड है और बहुत सारे सिस्टम है जैसे हम लोग कैफ़े में जाते हैं कैफ़े में क्या होता है एक ही जगह प्रिंटर होता है बहुत सारे दस बारह कंप्यूटर होते हैं प्रिंटर देता है उसी प्रिंटर से निकलता है वो भी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है ओके तो इसका एडवांटेज क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज चलिए एडवांटेज को देखते हैं देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्किंग ऑन स्टैंड अलोन कंप्यूटर विच आर डिस्कस्ड बिलो ओके मतलब बिना कनेक्ट नेटवर्क के कनेक्टेड का कंप्यूटर में ने मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत एडवांटेज है मतलब कोई एक कंप्यूटर है जो रखा हुआ मतलब किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है उस पर उस पर हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं जो उस कंप्यूटर में वही चीज़ कर सकते हैं बाकी अलावा किसी के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे ओके लेकिन जो नेटवर्क कंप्यूटर में नेटवर्क है जो जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं उसमें बहुत सारा चीज़ किया जा सकता है डेटा ट्रांसफ़र होगा इंटरनेट चलेगा गेम खेलेंगे ओके गे? गे? इस तरह से तो इस पर बहुत सारा एडवांटेज है तो पहला एडवांटेज क्या है शेयरिंग हार्डवेयर हार्डवेयर शेयरिंग हो सकता है लार्ज प्रिंटर एंड स्टोरेज मीडिया आर वेरी एक्सपेंसिव बड़ा प्रिंटर्स और स्टोरेज मीडिया हार्ज हाई स्टोरेज मीडिया बहुत कॉस्टली आता है आजकल नेटवर्क शेयर सच एज रिसोर्स एंड रिड्यूस द ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट तो नेटवर्क क्या करता है इसको शेयर करता है अगर एक ही प्रिंटर है तो उसी को शेयर करेगा सारा सिस्टम और इससे क्या होगा हमारा पैसा बचत होगा जितना कंप्यूटर हो उतना प्रिंटर नहीं खरीदना पड़ेगा इससे ये एक फ़ायदा है दूसरा बेनिफिट्स क्या है मेंटेनेंस कॉस्ट अगर ज़्यादा प्रिंटर होगा तो ज़्यादा मेंटेनेंस रखना पड़ेगा ठीक तो वो भी बच जा रहा है नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का भी शेयरिंग होता है नेटवर्किंग के थ्रू ऑल द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन द मेन सर्वर सेंट्रली ऑल द कनेक्टेड यूजर्स कैन एक्सेस इट वैन रिक्वायर्ड इट सेव्स कॉस्ट ऑफ लाइसेंसिंग ऑन इच मैन मशीन मतलब सारे मतलब ऑल द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन मेन सर्वर कंट्रली सेंट्रली मतलब सारे सॉफ्टवेयर को जितने भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर वो सेंट्रली किसी सर्वर में मेन सर्वर में इंस्टॉल रहेंगे तो जितने भी उसके साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं यूज कर सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के हर एक मशीन को लाइसेंस नहीं देना पड़ेगा उसमें देखिए जैसे एक एक्सेस शेयर्ड प्रिंटर कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर सर्वरस कंप्यूटर्स या सर्वर्स दिखाया हो देखिए साइलेंट कंप्यूटर्स बोला जाता है जो यूज करता है ना उसको साइलेंट कंप्यूटर बोला सर्वर देखिए वो प्रिंटर सर्वर कंप्यूटर जैसे कैफे हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कैफे में देखिएगा एक सर्वर होता है जो मेन जो मालिक होता है कैफे का वो एक कंप्यूटर लेकर के अलग जगह बैठा हुआ रहता है ठीक एक प्रिंट के पास रहता है यहाँ तक स्टोरेज डिवाइस भी उसी के पास रहता है बाकी मॉनिटर और सी और एक एक यू कैफ़े में लगे हुए रहते हैं इंडिविजुअली बाकी प्रिंटर और सर्वर जो होता है एक ही होता है हम लोग कैफ़े में जाते हैं और अप्लीकेशन खोलते हैं तो बहुत सारे न, कैफे में क्या होता है हम लोग यूज करते हैं सर्वर के सॉफ्टवेयर को अपने इंस्टॉल नहीं कर उसमें कंप्यूटर में, में इंस्टॉल नहीं रहता है सर्वर के सर्वर के सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं जिससे हर एक मशीन को लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती इससे लाइसेंस का खर्चा भी बच जाता है नेक्स्ट फास्ट एंड एफिसियंस एफिसियंट कम्युनिकेशन दूसरा तीसरा क्या होता है फास्ट और इफिशियंट कम्युनिकेशन होता है फास्ट मतलब बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क ऑफर से फास्ट एंड रिलेबल कम्युनिकेशन चैनल एमोंग द यूजर यूजर के बीच में ये फास्ट कम्युनिकेशन करवाता है पीपल कैन कम्युनिकेट इफिशियंटली वाया मैसेज चैट रूम्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉल्स एक्सेट्रा आदमी इससे कम्युनिकेट करता है मैसेज के थ्रू चैट रूम्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉल्स इसके थ्रू चैट करता है ओके नेक्स्ट है सिक्योरिटी सिक्योरिटी भी रहता है एडवा कंप्यूटर नेटवर्क में एज दी सर्वर ऑफ ऑर्गे सर्वर ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ फुली सिक्योर्ड अगेंस्ट अनाथोराइज एक्सेस ओके सर्वर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कैफे का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का उसका पूरा क्या होता है अनऑथोराइज एक्सेस से वो सिक्योर्ड रहता है मतलब उसको अनऑथोराइज बिना अथॉरिटी के आप उसको यूज नहीं कर सकते हो द रिलेवेंट डेटा एंड फाइल्स आर फुल्ली प्रोटेक्टेड एंड ओनली एक्सेसिबल टू अथोराइज यूजर ओके मतलब इसमें क्या होता है जितने भी रिलेवेंट फाइल्स हैं या डेटा है उसको फुल्ली प्रोटेक्टेड रहता है और सिर्फ उसको कौन एक्सेस कर सकता है जिसको अथॉरिटी मिला हुआ है अथॉरिटी यूजर्स को ओके okay? तो चलिए इसमें देखिए सर्वर क्या होता है सर्वर इज़ ए पावरफुल कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विस टू टू अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर जो प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में साइलेंट इज़ ए मशीन ऑन ए नेटवर्क विच रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम दी सर्वर ठीक साइलेंट एक मशीन होता है नेटवर्क में जो सर्विस रिक्वेस्ट कर रिक्वेस्ट uh, करता है किधर से सर्वर की ओर से ओके okay? तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट एडवांटेज है रिड्यूसिंग रिडेंडेंसी ओके तो ये क्या है चलिए समझते हैं सिंस पीपल शेयर सेम डेटा द सेम डेटा ऑवर है नेटवर्क बाय स्टोरिंग इन सेंट्रली इट सेंट्रली इट रिड्यूसेस द रिडेंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन ऑफ डेटा ऑन मैनी कंप्यूटर्स मतलब ये रिडेंडेंसी कम करता है नेटवर्क मतलब तो बहुत सारे कंप्यूटर क्या करते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं सेम डेटा शेयर करते हैं नेटवर्क में स्टोर करके ओके तो इससे क्या होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को रोकता है रिड्यूस करता है नेटवर्क ठीक नेटवर्क क्या करता है डुप्लीकेशन होने से रोकता है डेटा को ओके ऑन ऑन मेनी कंप्यूटर्स बहुत सारे कंप्यूटर्स में नेक्स्ट है सेविंग टाइम एंड कॉस्ट दूसरा एडवांटेज क्या है टाइम सेव करता है और कॉस्ट भी बचाता है शेयरिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन थ्रू नेटवर्क सेव्स बोथ टाइम एज वेल एज कॉस्ट ऑफ पेपर ठीक कॉस्ट ऑफ पेपर भी बचाता है और टाइम भी बचाता है एफिशियंसी डिलीशन मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और डेटा एट अ सिंगल पॉइंट ब्रिज मोर इफिशियंट एंड इफेक्टिवनेस टू इन टू अ वर्किंग सिस्टम मतलब कोई भी डेटा डिलीशन डिलीशन करना है डिलीट करना है मॉडिफाई करना, करना है अपग्रेड करना है सॉफ्टवेयर को या डेटा को वो सिंग सिंगल पॉइंट ब्रिज पे ज़्यादा इफ़िशियंट है और ज़्यादा इफेक्टिवनेस है वर्किंग सिस्टम में एफिशिएंसी नेटवर्क में हम लोग ये आसानी से कर सकते हैं और इफेक्टिव होगा ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है चलिए उसको पढ़ते हैं देखिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज़ द पर्सन होूज़ दी राइट टू एक्सेस ऑल दाइल्स एंड अप्लीकेसन एंड ही प्रोवाइड्स एक्सेस राइट फॉर अदर यूजर इन टू दर्गेनाइजेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है एक पर्सन होता है जो राइट right, मतलब हक देता है मतलब क्या परमिशन देता है कि आप उस सिस्टम के फाइल को एक्सेस कर सकते हैं अपलिकेसन को एक्सेस कर सकते हैं ठीक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसमें वो एक्सेस करने की परमिशन देता है ओके okay. नेक्स्ट है नेटवर्क कंपोनेंट्स नेटवर्क कंपोनेंट्स मतलब नेटवर्क में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे एवरी नेटवर्क इंक्लूड्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स टू फॉर्म कंप्यूटर नेटवर्क हर एक कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क कंपोनेंट में क्या चाहिए इतने कंपोनेंट्स चाहिए देखिए फिगर में देखिए कंप्यूटर नेटवर्क विथ वेरियस कॉम्पोनेंट्स सबसे पहले देखिए क्या है इंटरनेट है इधर से राइट साइड में फिर रूटर है फिर सर्वर है प्रिंटर है साइलेंट है फिर स्विच है फिर साइलेंट है ओके तो ये सब क्या है जितने सलेंट्स है वो क्या करते हैं किसके साथ कनेक्टेड रहते हैं स्विच के साथ फिर स्विच किससे कनेक्टेड रहता है सर्वर के साथ सर्वर में एक प्रिंटर रहता है फिर वो किससे कनेक्टेड रहता है रूटर के साथ फिर रूटर किससे कनेक्टेड रहता है इंटरनेट के साथ सर्वर सर्वर क्या होता है इट इज़ पावरफुल कंप्यूटर और सेट ऑफ कंप्यूटर स्विच विथ हाई स्पीड एंड ग्रेट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी सर्वर जो होता है एक कंप्यूटर या फिर सेट्स ऑफ कंप्यूटर होता है बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो क्या हाई स्पीड और ज़्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के होते हैं ज़्यादा प्रोसेस कर सकते हैं इट कैन लिंक मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टुगेदर एंड प्रोवाइड इम्पोर्टेंट नेटवर्क सर्विस टू प्राइवेट एंड पब्लिक यूजर्स ओके ये क्या कर सकता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को एक साथ लिंक कर सकता है और इम्पोर्टेंट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर सकता है प्राइवेट यूजर को और पब्लिक यूजर को भी ओके okay? साइलेंट क्या है आप देखते हैं साइलेंट इज़ ए कंप्यूटर और डिवाइस विच यूज द नेटवर्क टू एक्सेस एनी सर्विस फ्रॉम द सर्वर ए साइलेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ए नोड ओके साइलेंट को नोड भी बोला जाता है नोड क्या हर एक कंप्यूटर एक नोड है हर एक कंप्यूटर एक साइलेंट है जैसे जो भी कंप्यूटर इंटरनेट या नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो वो कंप्यूटर क्या कहलाएगा साइलेंट या नोड ओके okay? जो सर्वर से क्या लेगा नेटवर्क एक्सेस करेगा और न, सर्विस लेगा ओके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ओके जिसको शॉर्ट में एनआईसी बोलते हैं फुल फॉर्म से याद रखिएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एग्ज़ाम में पूछता भी है तो ये क्या होता है चलिए दे, देख देखिए एक फिगर बनाया हुआ वा, वायर्ड एन आई सी एंड वायरलेस एन आई सी ये सब देखे होंगे आप टेलीफोन में या फिर कभी तो बैंक वगैरह गए होंगे वहाँ भी देखे होंगे पोस्ट ऑफिस में देखे होंगे यहाँ तक तो कि स्कूल में भी लगे होते हैं आजकल ओके एन आई सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ओके इट इज़ हार्डवेयर कंपोनेंट विच कनेक्ट द कंप्यूटर टू नेटवर्क ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है नेटवर्क के साथ इट आल्सो प्रोवाइड्स ए यूनिक फिजिकल एड्रेस नॉन एज एम और ये एक यूनिक फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है जिसको शॉर्ट में एम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस टू इच कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू नेटवर्क ओके जो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उसको एम प्रोवाइड करवाता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एन दो तरह के एन होते हैं एक होता है वायर्ड एन एक होता है वायरलेस एन तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है वायर्ड एन क्या होता है अनवायर्ड एन वायरलेस एन देखिए फिगर से तो देख रहे होंगे आप वायरलेस में एक एंटीना जैसा लगाया हुआ है और वायरलेस में वायर कनेक्ट करने के लिए पोर्ट दिया हुआ है ओके तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं नेक्स्ट है मीडियम ऑफ कनेक्शंस मतलब कैसे हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट करें क्या क्या मीडियम से कनेक्ट करें द इंटर कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल डिवाइसेस कैन बी स्टेब्लिश्ड इन टू वेज फर्स्ट थ्रू वायर और केबल्स विच कनेक्ट डिवाइस यूजिंग पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स ओके वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग पोर्ट और कनेक्टर्स ओके एंड सेकेंड है थ्रू वायरलेस मीडियम लाइक वाईफाई रेडियो वेव्स माइक्रोवेस बलूटूथ इंफ्रारेड एक्स रेज एक्टेट्रा ये सब वायरलेस मीडियम है जैसे वाईफाई यूज़ करते हैं वायरलेस से वायर नहीं कनेक्ट करना पड़ता है रेडियो वेव्स वेव है माइक्रोवेव है ब्लूटूथ है इन्फ्रा रेड है इन्फ्रारेड टी वी रिमोट में देखने को मिलता है ब्लूटूथ भी मोबाइल में देखने को मिलता है माइक्रोवेव ओवन जो आता है उसमें भी ठीक फिर माइक्रोवेव जो टावर्स वगैरह है सेटेलाइट्स वगैरह होते हैं उसमें फिर एक्स रेज ये सब क्या है वायरलेस मीडियम है चलिए एक टैग कनेक्ट दिया हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं केबल्स आर कनेक्टेड टू पोर्ट वाया कनेक्टर्स केबल्स जितने भी होते हैं वो पोर्ट के थ्रू पोर्ट में कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू कनेक्टर के थ्रू ठीक द मोस्ट कॉमनली यूज कनेक्टर इज़ आर जेफ़ फोर्टी फाइव जो ज़्यादा यूज होने वाला कॉमनली यूज होने वाला कनेक्टर क्या है आर जेफ़ फोटी फाइव द अदर कनेक्टर इज़ वी एन सी कनेक्टर वी एन सी कनेक्टर होता है एक ठीक तो ये कनेक्टर्स का नाम है ठीक ये सब पूछता है कभी कभी कौन सा कनेक्टर ज़्यादा यूज होता है ठीक नेक्स्ट है इथर्नेट ट्विस्टेड पेयर इथरनेट ट्विस्टेड पेयर क्या होता है चलिए उसको देखिए इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज वायर इन लोकल एरिया नेटवर्क्स मतलब लेंस जिसको शॉर्ट में बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क ये अधिकतर यूज़ होने वाला और ज़्यादा यूज होने वाला वायर है जो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है इट हैज इम्प्रूवड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ गीगा बिट पर सेकेंड ये इसमें कितना स्पीड से डेटा ट्रांसफर होगा गीगा बिट्स पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में गीगा बिट्स तक डेटा ट्रांसपोर्ट होगा ओके गी? मतलब गीगा बिट्स ओके गी? नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल इट इज आल्सो नोन एज कोएक्स स्टार्टेड बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन अराउंड नाइनटीन ट्वेंटीज इन द टेलीफोनी नेटवर्क इट कनेक्ट कंटेंट्स कॉपर वायर आल्सो केबल ओके पहले इसको क्या बोला था कोएक्स बोला जाता था जब स्टार्टिंग में आया था तो उसके बाद उसको कोएक्सियल केबल नाम दिया गया क्योंकि इसमें कॉपर वायर के केबल के साथ रहता है ओके कोएक्सियल वायर देखिए कोएक्सियल वायर दिया हुआ है देखिए ठीक फिगर में जैसे हम लोग डी सेंटिना लगाते हैं ना तो उसमें जो वायर होता है वो को कोएक्सील वायर होता है देखिएगा आप उसमें एक ही वायर होता है और एक दूसरा ट्विस्टेड रहता मतलब ये जाल जैसे रहता है एक देखिए कोएक्सियल केबल दिया हुआ है देखिए फिगर में नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है चलिए इट इज़ ए फ्लैक्सीबल एंड ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्ड ग्लास विच इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग लाइट बिटवीन टू एंड्स ऑफ फाइबर इट यूज लाइट पल्सेज इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सिस फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन ये एक फ्लैक्सीबल और ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्ड ग्लास है ठीक ना जो कैपेबल है किसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ डेटा के लिए मतलब इसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक एंड से दूसरे एंड तक और ये इसमें डेटा रिड्यूस बहुत कम होता है डेटा बहुत कम डेटा ना के बराबर रिड्यूस होता है ओके और ये इस क्या यूज करता है लाइट पल्स यूज करता है इलेक्ट्रिक पल्स के जल बदले में ओके इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए देखिए ट्विस्टेड पेयर का भी दिखाया हुआ है ओके फिर फाइबर ऑप्टिक्स देखिए फाइबर ऑप्टिक्स दिखाया हुआ है फाइबर ऑप्टिक्स का यूज होता है जैसे देखते होंगे आप रोड के किनारे गड्ढा खोल के मोटा सा पाइप लगाया जाता है पाइप के जैसा जो क्या होता है जिसमें कवर भी होता है सिलडेड भी होता है ठीक तो वायर कोएक्सील वायर लगाया जाता है बहुत जगह बहुत जगह ट्विस्टेड पेयर लगाया जाता है वो अंडरग्राउंड किया जाता है ओके नेक्स्ट है स्विच एंड रूटर स्विच एंड रूटर क्या होते है देखिए फिगर भी देखिए स्विच एंड रूटर का ओके वेंट ए नेटवर्क हैज़ मोर देन टू कंप्यूटर्स देन वी नीड अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कनेक्शन थ्रू विच ऑल दी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ऑन नेटवर्क जब दो या दो से जदि अधिक कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड है तो हमको एक सेंट्रल पॉइंट की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू सारे कनेक्टेड नेटवर्क शेयर करेंगे ओके इन वायर्ड नेटवर्क दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाई स्विच वायर्ड नेटवर्क में ये नेट काम कौन करता है स्विच करता है और अनवायर्ड नेटवर्क में यानि वायरलेस नेटवर्क में कौन करता है ये काम रूटर्स करता है बस यही है अलग अलग काम है वायरलेस में रूटर यूज होगा वायर में स्विच यूज होगा ओके आर यूज टू ट्रांसमिट रेडियो सिग्नल और ये रेडियो सिग्नल को ट्रांसपर्ट करता है ट्रांसमिट करता है नेक्स्ट मॉडम मॉडम का मतलब क्या होता है मॉडुलेटर डी ओके इट मॉडूलेट्स द सिग्नल डेटा इंटू टेलीफोन कैपेब कैपेटिबल एनालॉग सिग्नल कम्पटेबल अनालॉग सिग्नल एट सेंडर साइड एंड डी मॉडुलेट्स दिग्नल बेक इंटू डिजिटल सिग्नल एट रिसिवर साइड इट्स इन सिम्पल वर्ड्स वी कैन से मॉडर्म इज़ यूज टू कनेक्ट कम्प्यूटर वायर टेलीफोन लाइन्स ओके मॉडर्म क्या करता है पहले मॉडूलेट करता है मतलब सिग्नल को मॉडुलेट करता है एनालॉग सिगनल को सेंडर साइड uh, से क्या करता है ये एनालॉग मॉडूलेट uh, करता है एनालॉग सिग्नल को उसके बाद फिर रिसीवर साइड में क्या करता है डिजिटल सिग्नल को क्या करता है वो डी करता है मतलब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है ओके okay? जिससे कंप्यूटर फिर सेंडिंग के टाइम सिग्नल चेंज हो कर के जाता है फिर वहाँ जाके मॉडेम के थ्रू चेंज होता है सिग्नल इस तरह से हम लोग सिंपल वर्ड में कह सकते हैं मॉडेम क्या करता है मॉडेम इज़ यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर वाया टेलीफोन लाइन्स टेलीफोन लाइन्स के में यूज होता है मॉडेम का यूज होता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने में ओके टाइप्स ऑफ नेटवर्क को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ओके आप से रिक्वेस्ट है नेक्स्ट पार्ट को भी जरूर देखें और वीडियो को पूरी देखें तभी समझ में आएगा दोबारा देखें ओके तो ज़्यादा समझ में आएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें लाइक करें और कुछ भी मिस्टेक्स हो तो कमेंट में बताएं और फीडबैक ज़रूर दें आपको वीडियो कैसा लगा बताएं ज़रूर तभी मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ आपको ओके और एक रिक्वेस्ट है आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पार्ट टू का मेरा इंतज़ार कीजिए इस चैप्टर का ओके मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा पार्ट टू थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं अगर कुछ कमी हो तो बताएं थैंक यू कोविड नाइन्टीन स्टे एट होम स्टडी एट होम